लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। इस बीच चीन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म को कंफर्म किया। रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल में बीजेपी के जीत का अनुमान, ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी का गुणगान। नतीजों से पहले ही चीन ने भी माना, भारत में मोदी का ही है जमाना। भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे के आने में अभी कुछ घंटे बाकी हो, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती दिख रही है। देश के तमाम न्यूज चैनल ने तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने का अनुमान लगाया है। 4 जून को आने वाले नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार और मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में बन रही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक लेख जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स में लेख में कहा गया है, सर्वे से पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। अगर मोदी जीतते हैं तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। यही नहीं, इस लेख में आगे लिखा है कि मोदी समग्र घरेलू और विदेश नीतियां पहले की तरह ही बनाए रखेंगे। मोदी की नीतियों में कोई ज्यादा बदलाव आने की उम्मीद कम ही है। मोदी तीसरी आर्थिक शक्ति के लिए काम करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के लेख में चीनी एक्सपर्ट ने भारत और चीन के बीच सहयोग पर जोर दिया। भारत और चीन दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए खुला संवाद बना रहेगा। भारत के लिए ये जरूरी है कि वो चीन के साथ संबंधों के प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण बनाए रखे। बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने के लिए चीन के साथ भारत को सहयोग करना चाहिए। चीन और भारत के बीच टकराव बढ़ने की संभावना नहीं है। चीन के सरकारी अखबार का ये आकलन बताता है कि बॉर्डर के मुद्दे पर चीन टकराव के मूड में नहीं है, लेकिन इतिहास हमें इस ओर इशारा करता है कि सीमा रेखा को लेकर चीन के किसी भी बयान पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत लगातार अपनी सामरिक ताकत को बढ़ा रहा है, फिर चाहे वो चीन बॉर्डर पर अतिरिक्त सेना की तैनाती हो या फिर एडवांस वेपन की तैनाती। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को न केवल अमेरिका स्वीकार कर रहा है, बल्कि उसके आगे अब चीन भी नतमस्तक है। हालिया इकोनॉमिक ग्रोथ के नतीजे इसकी तस्दीक भी करते हैं। 2023-24 में भारत का ग्रोथ रेट 8.2% रहा, जो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों का दावा है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लोहा मानना चीन की मजबूरी भी है। बॉर्डर सहित कई विवादों के बाद भी भारत के प्रति चीन का ये रुख नए हिंदुस्तान की गवाही देता है। अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2021-22 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 115.83 बिलियन डॉलर था। ये भारत के कुल 1035 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का 11.2% है। पीएम मोदी की अगुवाई में साउथ एशिया में उभरती हुई ताकत के रूप में भारत की मौजूदगी जहां अमेरिका के हितों को साधती है, तो वहीं दूसरी ओर चीन को इससे खतरा भी है। शी जिनपिंग को मालूम है कि भारत से टकराव से चीन का ही नुकसान है, लिहाजा उसके आगे मोदी से दोस्ती का ही विकल्प है।